welcome back to my channel and welcome back to Devalog. I hope you all are doing well and feeling all festived up kyunki finally wo din aa hi gaya hai. Aaj hai Diwali and I want to start off by wishing you guys a very happy Diwali. I really hope ye Diwali aapke liye bahut shubh aur mangalmay rahe aur aane wala saal aapke liye aur bhi zyada amazing ho. Kyunki aapko aaj 100 aur kaam honge meri video dekhne ke siway to I thought kyun na saath mein baith ke ek chill sa get ready with me kare Diwali ki pooja ke liye, bahar jaane ke liye aur bahut sara amazing khana khane ke liye kyunki meri top priority to wahi hoti hai. Diwali pe amazing khana खाने से बेटर और कुछ भी नहीं है. तो अगर आप तैयार होना चाहते हैं मेरे साथ फॉर दिस दिवाली देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक स्ट्रो क्रीम के साथ क्योंकि मुझे चाहिए एक बहुत ही ग्लोई बेस. ये है फ्रॉम डॉटन की और ये काफी लाइट वेट है बट आपको बहुत ही हेल्दी ग्लो देता है तो ये परफेक्ट है दिवाली के लिए. थोड़ी सी क्वांटिटी लेके मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ ऑल ओवर माई फेस. और अगर आप फाउंडेशन या कंसीलर नहीं भी लगाना चाहते हैं आप तब भी ये स्टेप कर सकते हैं इस दिवाली चमकने के लिए. मूविंग ऑन टू फाउंडेशन, मेरे पास है मेबेलिन की सुपरस्टे ल्यूमी मैट फाउंडेशन जो करंटली मेरी फेवरेट फाउंडेशन है. ये काफी लाइट वेट है बट आपको बहुत ही अमेजिंग कवरेज देती है. तो पहले मैं इसे डॉट कर रही हूँ ऑल ओवर माई फेस और फिर मैं इसे ब्लेंड आउट कर लूंगी फॉर अ सीमलेस लुक. नाउ मैंने एक इनडेप्थ बेस ट्यूटोरियल भी अपलोड किया हुआ है तो अगर आपको जानना है कि इस दिवाली आप कैसे एक फ्लॉलेस बेस पा सकते हो जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो, बहुत नेचुरल लगे बट स्टिल फोटोग्राफ भी अच्छे से हो तो डेफिनेटली उस ट्यूटोरियल को भी चेकआउट कर लीजिए. बट आई एम मेकिंग श्योर कि मेरी फाउंडेशन में जरा भी पैचिंगनेस ना हो और मुझे बहुत इवन कवरेज मिले बिफोर आई मूव ऑन टू माई कंसीलर जो कि है टू फेस्ट का बॉन दिस वे कंसीलर. नाउ इसमें है बहुत हाई कवरेज और मैं स्लाइटली एक लाइटर शेड यूज कर रही हूँ थोड़ी सी हाई लाइटिंग के लिए क्योंकि ऑनेस्टली माई डार्क सर्कल्स आर थ्रू द रूफ दिवाली सीजन की वजह से. तो ऑब्वियसली मैंने इसे अप्लाई किया है अपनी अंडर आई एरिया पे और अराउंड माई माउथ जो जनरली मेरे प्रॉब्लम एरियाज है बट क्योंकि मैं हाईलाइट भी कर रही हूँ मैंने बिटवीन माई ब्राउज और ब्रिज ऑफ नोज पे भी लगाया है और फिर मैं टाइम लेके इसे अच्छे से ब्लेंड आउट करूंगी एक सीमलेस नॉन पैची लुक के लिए. अब मूव करते हैं एक पाउडर पे क्योंकि मेरे प्रोडक्ट्स इतने हाई कवरेज थे मैंने एक ट्रांसलूसेंट पाउडर लिया है फ्रॉम नार्स और एक फ्लैट पाउडर ब्रश की हेल्प से मैं अपने अंडर आईज और अराउंड द माउथ पे इसको पैट करूंगी अच्छे से. मैं पैट कर रही हूँ लॉक इन करने के लिए सारे प्रोडक्ट्स को कि क्रीसिंग मिनिमल हो और मेरा बेस बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहे. अब आ जाते हैं ब्रॉन्जर पे और मेरे पास है ग्लो विश का ये ब्रॉन्जर जो बहुत ज्यादा नेचुरल है तो इवन इन पर्सन आपका ब्रॉन्जर जरा भी मडी या पैची नहीं लगेगा. एंड यूजिंग एक टेपर्ड ब्रश मैं इसे अप्लाई करूंगी हर उस पॉइंट पे जहाँ पे मुझे थोड़ा सा कलर और डेफिनेशन चाहिए. तो स्टार्टिंग विद माई हॉलो ऑफ द चीक बोन, फोरहेड, चिन और नोज ये होने वाले हैं वो एरियाज जहां मैं इसे अप्लाई करूंगी टू मेक श्योर कि मेरे फेस में थोड़ा सा स्ट्रक्चर हो, थोड़ी सी डेफिनेशन हो और ये ऑल्सो इंश्योर करेगा कि मेरी फोटोज भी मच बेटर आए. अब है बारी ब्लश की और मेरे पास है सिंपली नाम का ये क्रीम टू पाउडर ब्लश जो बहुत ही ब्यूटीफुल पॉपी पिंक कलर में है. ये ऐड करेगा एक फ्लश ऑफ कलर टू माय लुक तो मैं अपने फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ ऑल ओवर माय चीक्स टू गेट अ फ्लश्ड काइंड ऑफ पिंक लुक. ऑफ कोर्स मेरा बेस कंप्लीट नहीं हो सकता है विदाउट हैविंग अ क्विक लिटिल स्टार मेरे सेटिंग स्प्रे में. तो मेरे पास है मेरा मैक का फिक्स प्लस जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. ये आपके मेकअप को इंस्टेंटली पाउडरी नहीं फील कराता और बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी बना देता है तो मैं इसे स्प्रे कर रही हूँ ऑल ओवर माई फेस. और अब बारी है आईज पे आ जाने की तो मेरे पास है मेरे बेनिफिट की गूफ प्रूफ ब्राउ पेंसिल जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है टू डिफाइन माई ब्राउज क्योंकि आपको एक काफी हेयर लाइक स्ट्रोक्स देती है. तो मैं फिल इन करने वाली हूँ सारे अपने स्पार्स गैप्स ऑफ माई आईब्राउज इसके साथ और इसके साथ अगेन टेक योर टाइम टू मेक श्योर कि आपकी आईब्राउज बहुत ज्यादा स्टार्क ना लगे बट एक नेचुरल सी फिल्ड इन लुक हो. उसके बाद मैं अपनी ब्राउज को सेट कर लूंगी इन प्लेस विद कलरपॉप का ब्राउ जेल और मैं इसे रन थ्रू करूंगी इन अपवर्ड मोशंस अपने ब्राउ में. अगर आपको थोड़ी फ्लफी लुक चाहिए तो अपवर्ड मोशन, थोड़ी स्लीक लुक चाहिए तो एक हॉरिजॉन्टल मोशन में जाएं. माय आई शैडो पैलेट ऑफ चॉइस टुडे इज के ब्यूटी क्योंकि ये काफी अच्छी क्वालिटी के हैं एंड यू गेट बहुत सारे पिंक्स और पीचेस इसमें जो कि परफेक्ट है दिवाली लुक्स के लिए. स्टार्टिंग विद अ डीपर पिंक शेड मैं उसे प्लेस करूंगी अपने आउटर कॉर्नर और क्रीज में और पहले मैं उसे प्लेस कर रही हूँ ब्लेंड बाद में करूंगी फॉर मैक्सिमम इंपैक्ट. मैंने एक इनडेप्थ आई ट्यूटोरियल भी अपलोड किया हुआ है तो अगर आपको जानने हैं आई शैडो टेक्निक्स तो डेफिनेटली चेक आउट दैट वीडियो. बट वंस मेरा डीपर पिंक शेड प्लेस हो गया है एक फ्लफी ब्रश पे एक लाइटर पिंक शेड लेके मैं ब्लेंड आउट कर लूंगी उसके आउटर एजेस फॉर अ सीमलेस लुक. फिर एक शिमरी शेड लेके मैं एक फ्लैट शेड ब्रश से उसको अप्लाई करूंगी ऑल ओवर माई आईज टू गेट अ ट्विंकल. ऑफ कोर्स फेस्टिव सीजन है, दिवाली है, थोड़ा ट्विंकल तो बनता ही है. एक डीपर वाइन शेड लेके मैं एक लाइनर ब्लेंड आउट कर लूंगी जिससे एक मेरी आईज को बहुत अच्छी डेफिनेशन मिल जाएगी. जो भी मैंने शेड्स यूज करे अपनी क्रीज पे उन्हें अपने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करूंगी एक बहुत ही ब्यूटीफुल बैलेंस क्रिएट करने के लिए जिससे हमारी आईज थोड़ी सी भी लॉपी ना लगे. एंड फाइनली एक लाइट शिमरी पिंक शेड की हेल्प से मैं ब्राइटन अप करूंगी अपना इनर कॉर्नर फॉर अ वाइड आई इफेक्ट. और फिर आई मूव ऑन टू मेरे मेबेलिन का कोलोसल मस्कारा जो कि काफी अफोर्डेबल बट अमेजिंग मस्कारा है और मेरी लैशेस ना काफी नॉन एग्जिस्टेंट तो आई एम रनिंग दिस मस्कारा अपनी अपर और बॉटम लैशेस पे टू गेट सम वॉल्यूम सम कलर. बट क्योंकि मेरी लैशेस इतनी नॉन एग्जिस्टेंट है और
हम बात कर रहे हैं दिवाली की, आई विल गो इन विद फॉल्स लैशेज जो कि हॉट लैश की सोरेंटो लैशेज। ये काफी वॉल्यूमिनस, काफी फ्लफी और काफी ड्रामेटिक है ना, आई रियली रियली लाइक देम। तो मैंने बस इजीली प्लेस कर रही हूँ अपनी आईज पे आफ्टर मेकिंग श्योर कि मेरी आई लैश ग्लू थोड़ी सी टैकी हो जाए। मेरे लिप कॉम्बो के लिए मैं यूज कर रही हूँ दियाम ब्यूटी की ये लिक्विड लिपस्टिक जो कि बहुत ही गॉर्जियस शेड और कंफर्टेबल फॉर्मुलेशन भी है और ये काफी लॉन्ग लास्टिंग है तो नो टचअप्स आर रिक्वायर्ड। बट मैं ऑल्सो यूज करने वाली हूँ पारुल गर्ग का ये लिप ग्लॉस जो कि काफी शिमरी है। अगेन दिवाली है तो थोड़ा स्पार्कल तो बनता ही है और इसे मैं कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ ज्यादा ऑन द सेंटर्स ऑफ माई लिप्स टू गेट दैट ब्यूटिफुल ग्लोई लिप लुक। फिनिशिंग ऑफ ऑफकोर्स विद बिंदी और आज मैंने अप्लाई करी एक राइनस्टोन बिंदी फॉर दैट एडेड स्पार्कल और ये है मेरा फाइनल लुक। आई लव इट सो मच। ये लहंगा है फ्रॉम लिबास और ये एक्चुअली एक रेडी टू वेयर लहंगा, एक फ्री साइज है बट इसमें बहुत मार्जिन है तो आप इजिली इसे ओपन या फिर टाइट करवा सकते हो अपने बॉडी शेप के हिसाब से। बट आई लव इसका ओवरऑल पूरा काम, इसका कलर इतना सटल है, इसका काम इतना ब्यूटीफुल है, ये पहन के भी बहुत ज्यादा स्टनिंग लगता है। और ज्वेलरी मैंने पहनी है पोलकी की ज्वेलरी विद ग्रीन एलिमेंट से कंट्रास्ट ऐड करने के लिए। नाउ ऑब्वियसली आप मैचिंग ज्वेलरी भी पहन सकते हो बट मुझे लगता है कंट्रास्टिंग ज्वेलरी स्पेशली पिंक्स और रेड्स के साथ जब आप ग्रीन पहनते हो तो काफी स्टनिंग लगता है। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो, तो अगर आपने ग्रीन आउटफिट पहना है तो आप साथ में रूबी के एलिमेंट्स ले सकते हो। ये कंट्रास्ट परफेक्ट बैलेंस ऐड करता है आपकी लुक में। मैंने अपने बालों में 4 रोजेस का गजरा भी लगाया जो अनदर इंटरेस्टिंग एलिमेंट ऐड करता है। बाल मैंने स्लीक ही रखे क्योंकि वो कहीं भी हिलेंगे डुलेंगे नहीं, बट ओवरऑल मुझे ये लुक बहुत पसंद है और ये काफी हैवी, रिच और लग्जूरियस लगता है। बट ये उतना हैवी है नहीं, ना पहनने में ना ऑन योर वॉलेट, तो आप डेफिनेटली ये ट्राई आउट कर सकते हो फॉर दिवाली या फिर अपकमिंग वेडिंग सीजन भी। एंड दैट इज इट गाइज, ये था मेरा लास्ट एंड फाइनल दिवालॉग फॉर दिस ईयर। अब मैं दिवालॉग के लिए मिलूंगी आपसे अगले साल, पर उससे पहले ऑब्वियसली मैं मिलूंगी आपसे और भी बहुत सारी वीडियोस में। बट आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड इफ दैट्स द केस देन डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड सब्सक्राइब बिकॉज दैट वुड मीन द एब्सोल्यूट वर्ल्ड टू मी। आई विल सी यू गाइस थोड़े दिन बाद। अब टिल देन टेक केयर, आई लव यू ऑल सो मच, बाय।